गुड इवनिंग बच्चों, बुआ आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। अलैंगिक जनन का सारा कहानी हम लोग ख़त्म कर चुके। अलैंगिक जनन में जितने मेथड्स थे, जितने भी तरह के टाइप्स थे, अलैंगिक जनन करने की जितनी विधियाँ थी बेटा, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। लैंगिक जनन का सबसे खास नेचर जो है ना, ये है कि यहाँ पर हमको दो जीव चाहिए, एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी मेल और फीमेल का होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डायग्राम है जिसमें बताया जा रहा है, इवेंट्स बताए जा रहे हैं कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, एक स्लो प्रोसेस होता है। और बउवा यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि दो जीव भाग लेते हैं। याद रखना, लैंगिक जनन एक ऐसी विधि है जहाँ पर दो जीव भाग लेंगे, और दो जीव भाग लेंगे साथ में उनमें युग्मकों का निर्माण होगा, और युग्मक मिलेंगे आपस में, युग्मक संलयित हो गए तब जा करके नए जीवों का निर्माण होगा, नई संतति बनेगी, इसी को लैंगिक जनन कहते हैं। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है यानी फीमेल है, और यहाँ एक लड़का है यानी मेल है। तो देखो, फीमेल है और यहाँ मेल है। बेटा हमको दो जीव चाहिए था ना, तो दो जीव में कौन कौन होना चाहिए, एक फीमेल होनी चाहिए, एक मेल होना चाहिए। चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी तरह का जंतु हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो दो जो सेक्सुअलिटी है, दो अलग अलग जेंडर जो है वो चाहिए हमको, मेल और फीमेल। और मेल और फीमेल में गैमेट्स का बनना जरूरी है, युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है। तो फीमेल गैमेट अपनी एग है यानी ओवम, और मेल गैमेट अपना स्पर्म है। ये दोनों जब आपस में मिलता है ना बाबू, तो होता है फर्टिलाइजेशन। जब आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बनता है जायगोट यानी युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। और यही युग्मनज धीरे धीरे आगे सेल डिवाइड कर करके एक नया जीव के रूप में, एक भ्रूण, और भ्रूण से नए जीव के रूप में तैयार हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब भी बात आए ना, तो हम लोग ये तीन मेथड तो देखेंगे ही। दूसरा बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा, तब जायगोट का यानी युग्मनज का निर्माण होगा, ये एकदम कन्फर्म है। चाहे कोई भी जीव हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो जायगोट बनेगा। क्लियर है ना बाबू? तो हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को आज के टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक का ही नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो समझ में आ रहा है लैंगिक जनन क्या है? जनन की वह विधि जिसमें दो जीव भाग ले और उन दोनों में युग्मकों का निर्माण हो और युग्मक संलयित हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जरूरी है युग्मक का बनना और युग्मक का मिलना, और युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होना। तो तीन चीज़ यहाँ पे हो रहा है। एक तो पहला युग्मक बन रहा है यानी गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है, देन गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, दिस इज फर्टिलाइजेशन, एंड देन बेटा जायगोट बन रहा है यानी युग्मनज का निर्माण हो रहा है। तो तीन चीज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। अगर बात करें फ्लावर का कि क्या फूलों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या फ्लावरिंग प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बउवा हाँ होता है, फ्लावरिंग प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो फ्लावर होते हैं ना प्लांट्स के, वही है उसके सेक्सुअल पार्ट, वही है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वही है जो बताते हैं कि मेल और फीमेल कहाँ पे है, मेल और फीमेल वाला पादप है, यूनिसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल है, क्या है, वो फ्लावर ही बताता है। तो चलो देखो, यहाँ पे फ्लावर है अपने पास, फूल है। फूल में देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो लिखा हुआ है एंड्रोसियम, ये मेल पार्ट है, और ये जो आपको ग्रीन सी बीच वाली पार्ट दिख रही है ना, ये है बेटा आपका गाइनोशियम, ये है गाइनोशियम यानी स्त्री भाग, ये है स्त्री भाग और ये रहा पुरुष भाग। तो हो गया ना, यहाँ पे भी मेल और फीमेल अपने को मिल गया, मेल फीमेल मिल गया। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ही अपने पास मेल है फीमेल है तो बोले गैमेट है, गैमेट बनेगा, गैमेट का निर्माण जैसे होगा उसके बाद बोलेंगे गैमेट आपस में मिलेंगे। क्लियर? गैमेट आपस में मिल जाएंगे तो फिर क्या बनेगा बेटा, युग्मनज बनेगा, जायगोट बनेगा यानी, और जायगोट से फिर फर्दर डिवाइड होकर के नए जीव का निर्माण होगा, नए पादप का निर्माण होगा। यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो अपना जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रो के रूप में पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन,
समझ में आ रहा है, इंट्रो पढ़ना है किसी को, हम लोग जो है एकदम स्पेसिफिकली नहीं पढ़ेंगे कि क्या है, किस तरह से हो रहा है, एक इंट्रो देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं क्या बॉडी में, गैमेट्स कैसे फॉर्मेट होता है, गैमेट्स कितने तरह के हो सकते हैं, और जो है कोई जीव कितने सेक्सुअलिटी के हो सकते हैं, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यौन प्रजनन यानी लैंगिक प्रजनन में हम लोग यहाँ पे देखें, अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कोई भी जो जनन होता है ना, कोई भी जीव जनन करता है, उस जनन का जो मेथड है, जो विधि है, चाहे अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो, उसका कुछ ना कुछ गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन का क्या क्या गुण है। तो बेटा अगर हम लैंगिक जनन के गुणों का बात करें ना, तो सबसे पहला गुण तो यहाँ पे यही है कि हमको दो जीव चाहिए, एक मम्मी एक पापा, है ना, एक मेल और एक फीमेल। तो हम क्या बोले कि संतान को उत्पन्न करने के लिए दो जीव की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहला जो कैरेक्टर है, सबसे पहला जो गुण है यही है। उसके अलावा बोले तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें युग्मक का निर्माण होगा, लेकिन कैसे, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मक बनेगा। उसके बाद क्या हो सकता है बेटा, यह एक धीमी गति है, बहुत बड़ी बात है, यह एक धीमी गति, जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फुल स्पीड में हो रहा था ना, एकदम फर्दर डिवाइड हो रहा है, नया जीव बन रहा है, नहीं, यहाँ पे धीमी गति से होगा, यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या होगा, यह एक जटिल प्रक्रिया है, गुणन इतना तेज नहीं होता है। देखो धीमा गति है तो गुणन तेज नहीं हो रहा है, तभी तो धीमा गति है, तो गुणन इतना तेज नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, दो फ्यूजिंग युग्मक एक ही व्यक्ति या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं, यह दोनों यूनिपेरेंटल साथ ही बायपेरेंटल भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक जीव है, उसके अंदर दोनों तरह के सेक्सुअलिटी है, यानी मेल गैमेट भी बन रहा है, फीमेल गैमेट भी बन रहा है, या फिर कोई जो है केवल मेल है और कोई केवल फीमेल है, तो दोनों के अंदर ऐसा हो सकता है, या तो एक ही बॉडी में मेल फीमेल गैमेट बने, या फिर अलग अलग बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने, ये भी संभव है। चलिए तो इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बेटा हमको तो लगता है आप लोग को समझ में आया होगा इतना दूर तक बात। अब आते हैं फेज इन लाइफ साइकिल में, यानी फेज क्या है। देखो एक बात बताना कि कोई भी जीव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने लोग को ले लो, क्या हम लोग बचपन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रेरित रहते हैं, या उम्र का कोई एक ऐसा पड़ाव आता है जिस समय कि हमारे बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं, कुछ ऐसा पड़ाव आता है जिस समय कि हम तैयार हो जाते हैं कि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अब नई संतति को बनाना है, और कुछ ऐसा समय आता है जिस समय जो कि हमारे बॉडी में बना था वो धीरे 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 ख़त्म होने लग जाता है। ये तीन फेज आते हैं ना, वो सब लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी जीव हो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो बचपन से भगवान के पास से ही गैमेट्स बना बना करके नहीं ला रहा है, वो यहाँ पे आने के बाद एक समय आया, वो जो है उस तरह का अपनी बॉडी में चेंज दिखाया, चेंज दिखते दिखते फिर गैमेट्स बनना स्टार्ट हुआ, गैमेट बनने के बाद बेटा वो इतना मेच्योर हो गया कि वो नए बच्चे को बना सकता है, और जब नए बच्चे को बनाने की क्षमता आ गई, वो रिप्रोडक्शन कर लिया, फिर एक समय आता है कि सारा का सारा जो क्षमता उसके अंदर डेवलप हुआ है वो खत्म हो जाए। तो इसी सब चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे जीवन चक्र के चरण या जीवन चक्र में चरण में। तो फेजेस इन लाइफ साइकिल में हम लोग देखेंगे कि कितनी फेजेस आती हैं लाइफ साइकिल में। तो देखो फेजेस कितनी हैं, पहला फेज है बेटा किशोरावस्था, नाम याद रखना किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज याद रखेगा, जुवेनाइल फेज। दूसरा है प्रजनन अवस्था या प्रजनन चरण, रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा है जीर्ण अवस्था यानी सेंसेंट फेज। ये सेंसेंट फेज में ही धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लग जाता है। तो फेजेस इन लाइफ साइकिल, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो फेजेस इन लाइफ साइकिल देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बउवा क्या क्या हो गया, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। तो जुवेनाइल फेज से हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। बोले जुवेनाइल फेज क्या है मैम, समझाओ जल्दी से फटाफट। तो देखो इस चरण में जीव विकास दिखाएगा ताकि वह यौन प्रजनन के लिए निश्चित परिपक्वता प्राप्त कर सके। यानी इस जो चरण है, ये जो चरण है, ये जो
आपके लाइफ का फेज है, इस फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म फटाफट ग्रोथ दिखाएगा ताकि वो मैच्योर हो सके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। बात याद रखना बेटा, ये जो फेज है, इस फेज में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं, क्यों? ताकि हम मैच्योरिटी को पा सके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए यहाँ पे फटाफट से बॉडी चेंज दिखाती है। और अगर हम बात करें, क्या प्लांट भी चेंज दिखाता है? बोले हाँ, प्लांट भी चेंज दिखाता है, लेकिन प्लांट में इस फेज को हम लोग जुवेलाइन फेज नहीं कहते, इस फेज को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज। क्लियर बुआ? इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इस उम्र में क्या होता है, इस फेज में क्या होगा कि प्लांट भी अपना जो है बॉडी में ग्रोथ दिखाएगा कि अब जो है इस तरह का ग्रोथ दिखाने लगे ताकि फ्लावर बन जाए। देखो, फ्लावर बनने के पहले की जो कहानी है, प्लांट में फ्लावर बनने से पहले की जितनी भी कहानी है ना, वो वेजिटेटिव फेज में आती है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा फेज आएगा रिप्रोडक्ट इसमें, जुवेनाइन फेज में? तो बेटा, हम लोगों में बचपन से लेकर के तब तक जब तक कि बच्चे को जन्म देने का पूरा क्षमता नहीं क्लियर हुआ है, उस समय तक की जो अवधि होगी वो क्या कहलाएगी, अपनी जुवेनाइन फेज में आएगी। तो आप लोग जो अभी बच्चे हैं, वो अभी आप लोग जुवेनाइन फेज में हैं, याद रखना, ठीक है ना? अभी आप लोग किस फेज में है? जुवेनाइन फेज में है। चलो नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। देखो, मेनली हम लोग को रिप्रोडक्टिव फेज ही देखना है, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन देख रहे हैं बाबू। तो हमको जुवेनाइन फेज से और अपने जो है ना, ये जो अपना जो लास्ट वाला फेज है सनसेंट फेज, इसे कोनो लेना देना नहीं है। लेना देना अगर किसी से है तो वो है अपना रिप्रोडक्टिव फेज से। तो देखो, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? तो इस चरण में प्रजनन अंग विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। तो इस चरण में, इस फेज में बेटा पूर्णतः डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा अपना जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, पूरी तरह से मैच्योर डेवलप हो गया। तो बोले प्लांट में कैसे पहचानेंगे? तो प्लांट में बेटा जैसे ही फूल खिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, फूल आना स्टार्ट हो जाएगा, बोलेंगे अच्छा ये तो रिप्रोडक्टिव फेज में घुस गया, अब जल्दी ही रिप्रोडक्शन होगा, जल्दी ही फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, और सीड के ऊपर एक बड़ा सा कवर लगेगा जिसको हम कहते हैं फल भित्ति, जिसको कहते हैं फल, यानी फल खाने का समय आने वाला है। जैसे ही फ्रूट, जैसे ही हमको फ्लावर दिखाना, हम क्या बोले, अपनी तो प्लांट चली गई रिप्रोडक्टिव फेज में, घुस गई प्रजनन अवस्था में, घुस गई, मतलब अब जल्द ही हमको फल मिलने वाला है, ये खुशी मन में आ जाना चाहिए। तो क्या बोले बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज में सब कुछ विकसित हो जाता है, मतलब पूरी तरह से तैयार हैं अपन, पूरी तरह से तैयार हैं बच्चे को जन्म देने के लिए। अब आते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इसमें क्या क्या चीज़ हम देखेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज ही मेनली हम लोग को पढ़ना है। देखो, हमको सेंसेट फेज से मतलब नहीं, हमको जुवेलाइन फेज से मतलब नहीं है, मतलब है रिप्रोडक्टिव फेज से। तो रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग क्या क्या देखेंगे बेटा, किन किन चीज़ों का बात, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये देखो। तो फूल और फल लगने के पैटर्न के आधार पर दो प्रकार के फूल वाले पौधे होते हैं। फूल और फल लगने के आधार पर, याद रखना, फूल और फल लगने के आधार पर अपने पास कितने तरह के प्लांट हैं? दो तरह के प्लांट हैं। एक तो होता है मोनोकार्पिक और दूसरा होता है बेटा पॉलीकार्पिक। तो चलो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का पूरा कहानी हम लोग देखते हैं कि प्लांट में फ्लावर जो लगता है वो किस किस आधार पर लगता है, क्या पैटर्न है फल लगने का और फूल लगने का, क्या पैटर्न है। तो क्या बताएं, फल और फूल लगने के पैटर्न के आधार पर अपना प्लांट कितने तरह का हो गया? दो तरह का हो गया, मोनोकार्पिक प्लांट। एट फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट। तो चलो मोनोकार्पिक प्लांट की ओर चलते हैं। एकदम ध्यान से समझना, जितना समझाएंगे माथा में घुसा लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोनोकार्पिक प्लांट, देखो इसको हिंदी में हम लोग एक वर्षीय कहते हैं, एक वर्षीय पादप। हटाओ, मोनोकार्पिक सिर्फ देखो,
एक वर्षीय नहीं, फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा एक वर्षीय बहुवर्षीय में। तो अभी हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट देखते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है? तो बेटा याद रखो, मोनोकार्पिक प्लांट हम लोग उस सारे प्लांट को कहेंगे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करेगा, एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, एक बार ही फ्रूट बनाएगा, फ्रूट देगा और फिर मर जाएगा। उसको क्या कहें? मोनोकार्पिक प्लांट कहें। तो क्या हो रहा है कि यह अपने जीवन काल में केवल एक बार, कितनी बार? केवल एक बार पुष्पन करेगा, केवल एक बार पुष्पन करेगा। क्लियर है बात? मोनोकार्पिक प्लांट क्या हो गया? अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन करेगा। भले ही उसका जीवन काल बेटा 3 से 4 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, या फिर कई सालों का हो, 12 साल का हो जाए, या फिर 50 से 100 साल का हो जाए, लेकिन अगर वो अपने लाइफ में, अपने जीवन काल में, अपने जीवन अवधि में केवल और केवल एक बार पुष्पन कर रहा है ना लल्ला मेरे, तो वो क्या कहला रहा है? मोनोकार्पिक प्लांट कहला रहा है। क्या समझ में आ गया मोनोकार्पिक? चलो अब आते हैं पॉलीकार्पिक की ओर। देखो अभी सिर्फ समझना, ठीक है? अभी हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं एक्स्ट्रा। तो देखो क्या है दूसरा? पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होता है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, पॉली यानी बहुत सारा। तो बोले क्या कि पॉलीकार्पिक प्लांट ऐसा होगा कि बहुत साल तक जिएगा और अपने सीजन पर, अपना समय आएगा, सीजन आएगा, वो फल देगा, उसके बाद फूल देगा, फल देगा और फिर खड़ा रहेगा। जैसे अपना नीम हो गया, जैसे अपना मैंगो हो गया, है ना, आम हो गया, सेब हो गया, ये सब क्या होता है? पॉलीकार्पिक प्लांट है। मतलब अपना जीवन काल में जब तक वो जीवित रहेगा, एक बार मैच्योर हो गया, एक बार परिपक्व हो गया, आप आम का गुठली लगाए, आम का पौधा बना, उससे फिर वो पेड़ बना, पेड़ बनने के बाद वो मैच्योर हो गया है, फिर वो अपना सीजन आएगा ना, वो सीजन आएगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सीजन आएगा, सीजन पे वो फूल मंजर खिलेगा, उसके बाद वो फल देगा आपको और फिर खड़ा रहेगा बेचारा चुपचाप। इसको क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक कहते हैं। तो बेटा यह क्या करता है? यह अपने जीवन काल में, यह अपने जीवन काल में सतत रूप से अपने समय पर, है ना, अपने सतत रूप से फूल और फल का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसको क्या कहे? पॉलीकार्पिक प्लांट कहे। तो बाबू कुछ कुछ समझ में आ रहा है? दो तरह के प्लांट हो गए, फूल और फल लगाने के आधार पर, उस पैटर्न पर क्या क्या हो गया? मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक में क्या होगा? चाहे उसका जीवन काल कितनों साल का हो जाए, वो एक ही बार अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पन करेगा, उसको क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। अब पॉलीकार्पिक क्या बोलेंगे? कि जीवन काल उसका लंबा है और वो अपने समय पर, अपने सीजन में, अपने मौसम में आने पर वो मैच्योर हो गया। एक बार मैच्योर होने के बाद वो आराम से आपको फल दे रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वो फल देगा, बेचारा वहीं पे खड़ा रहेगा। जैसे अपना मैंगो है, अपना नीम है, अपना सेब है, ये सारा क्या है? पॉलीकार्पिक प्लांट है। कटहल है, कटहल भी अपना पॉलीकार्पिक है। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ बातों का हम लोग ध्यान देते हैं। चलो देखो यहाँ पर 3 चीज हम लोग देखेंगे। एक क्या है? एनुअल, एनुअल प्लांट। एक आता है बायनियल प्लांट, बायनियल प्लांट। और एक आता है बेटा पॉलीनियल प्लांट। पॉलीनियल प्लांट। तो देखो यहाँ पर 3 प्लांट हम लोग बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको एनुअल प्लांट, बायनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट, सॉरी पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट। तो यहाँ पे 3 तरह के प्लांट हैं। एनुअल प्लांट कहने का मतलब क्या है बेटा? कि ये अपने जीवन काल, इसका जो जीवन काल होगा वो 1 साल का होगा। कितना?
एक साल का। बायनियल प्लांट कहने का मतलब इसका जीवन काल कितने साल का होगा, 2 साल का होगा। पेरिनियल प्लांट कहने का मतलब क्या है कि इसका जीवन काल 2 साल से अधिक का होगा, यानी मैनी होगा, बहुत सारा होगा। पहले समझना उसके बाद कोई डिसीजन लेना। पहले समझो क्या है एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट कितना साल जिएगा, 1 साल। बायनियल प्लांट कितना साल जिएगा, 2 साल। पेरिनियल प्लांट कितना साल जिएगा बेटा, मैनी साल, यानी बहुत सारा साल जी रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 साल और 2 साल जीने वाला तो हमेशा मोनोकार्पिक ही होता है। क्या होता है, मोनोकार्पिक प्लांट ही होता है। मतलब चाहे वो 1 साल जिए चाहे 2 साल जिए, लेकिन वो एक बार ही फल दे रहा है, एक बार ही फूल खिला रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। लेकिन ये जो पेरिनियल प्लांट है ना बेटा, ये 2 तरह का हो सकता है। ये मोनोकार्पिक भी हो सकता है और पॉलीकार्पिक भी हो सकता है। पॉलीकार्पिक भी हो सकता है, एकदम ध्यानपूर्वक समझना। क्या बोले हम लोग, इसके जीवन जो साल, कितने साल वो जी सकता है, इस आधार पर हम लोग 3 तरह के प्लांट देख सकते हैं। एक होता है एनुअल, यानी 1 साल जिएगा, बायनियल यानी 2 साल जिएगा, पेरिनियल यानी बहुत सारा साल जिएगा। अगर हम लोग बात करें एनुअल प्लांट का, तो वो मोनोकार्पिक होगा, पॉलीकार्पिक कभी नहीं होगा। अगर बायनियल प्लांट का देखें तो वो भी मोनोकार्पिक होगा, पेरिनियल प्लांट कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक कभी नहीं होगा, पेरिनियल प्लांट का बात करें बेटा, तो ये बहुत साल जीने वाला है। और ये बहुत साल जीने वाला कुछ प्लांट ऐसा देखा गया है जो कि मोनोकार्पिक है, जी तो रहा है बहुत लंबा, ठीक है, 50 से 100 साल जी रहा है, 30 साल जी रहा है, 12 साल जी रहा है, 10 साल जी रहा है, लेकिन है क्या, मोनोकार्पिक, एक ही बार पुष्पन कर रहा है, एक ही बार फल और फ्रूट, सॉरी अपना फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीकार्पिक होते हैं, हर साल करते हैं। चलो तो देख लो, मोनो अपना जो है मैनी साल जीने वाला, यानी बहुत सारा साल जीने वाला मोनोकार्पिक प्लांट कौन है, तो ये है बेटा बम्बू, बम्बू, और दूसरा है नीलकुरंजी, नीलकुरंजी, नीलकुरंजी। अभी हम बताएंगे नीलकुरंजी का पूरा कहानी। और पॉलीकार्पिक में कौन कौन आ जाएगा, तो अपना सारा नाम लिख दो। पॉलीकार्पिक में कौन कौन आ गया, मैंगो आ गया, मैंगो आ गया, एप्पल आ गया, ठीक है, और भी जो जो आपको आता है यहाँ पर भरते चल जाओ, ऑरेंज आ गया आपका, यहाँ पे तो अब जगह नहीं है, अभी डायग्राम दिखा देते हैं। चलो पहले ये बताओ कि एनुअल प्लांट, बायनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट समझ में आया। अब आते हैं अपने डायग्राम पे, डायग्राम देखो मस्त समझ में आ जाएगा। चलो देखो, मोनोकार्पिक प्लांट, क्या बोले, मोनोकार्पिक प्लांट कैसा होगा कि वह पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल खिलाते हैं, फूलते हैं, फूल आने के बाद इसमें फल लगता है और फिर मर जाता है, बस सीधा कहानी है, मर जाएगा, इसको क्या बोले, मोनोकार्पिक प्लांट बोले। तो मोनोकार्पिक प्लांट जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये सब क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट है। लेकिन अभी हम क्या बताए थे बेटा कि कुछ द्विवार्षिक यानी बायनियल प्लांट भी है जो कि मोनोकार्पिक है, कुछ आपका एनुअल प्लांट भी है यानी वार्षिक प्लांट भी है जो कि मोनोकार्पिक है, और कुछ पेरिनियल प्लांट भी है जो कि आपका मोनोकार्पिक है। तो चलो उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं। तो द्विवार्षिक पौधा यानी बायनियल प्लांट क्या होता है, द्विवार्षिक पौधा एक फूल वाला पौधा है जिसे अपना जैविक जीवन चक्र पूरा करने में 2 साल लगता है, बस सीधा कहानी है, 2 साल का इसका जीवन चक्र होगा, पर फूल कितनी बार खिलाएगा, 1 बार। वार्षिक पौधा यानी एनुअल प्लांट क्या है, तो वार्षिक पौधा एक ऐसा पौधा है जो 1 वर्ष के भीतर ही अंकुरण बीज सब कुछ निकाल करके मर जाएगा, इसको क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं, जैसे कि अपना गेहूं है, चावल है, ये सब। और अगर द्विवार्षिक पादप का अगर हम एग्जाम्पल आपको दें, तो द्विवार्षिक पादप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा रेडीज, कैरोट, ये सब क्या होता है, द्विवार्षिक है, 2 साल इसका लाइफ होता है, 2 साल का जीवन चक्र होता है, 1 साल वो पुष्पासन करता है, पुष्प खिलाता है, सॉरी पुष्पासन नहीं, पुष्प खिलाता है, और दूसरे साल बेटा वो जो है फल दे करके बेचारा मर जाता है। अब आते हैं पेरिनियल प्लांट पे। तो पेरिनियल प्लांट जैसे कि हम लोग क्या बोले, पेरिनियल प्लांट कैसा होगा बेटा, रे
बहुत सारा साल जिएगा, मैनी साल जिएगा, क्योंकि हम क्या बताए थे, कुछ पेरिनियल मोनोकार्पिक भी है और कुछ पेरिनियल आपका पॉलीकार्पिक भी है, ठीक है। तो मोनोकार्पिक वाला क्या है, तो ये है तो जीता है बहुत सारा साल, पर ये एक बार ही पुष्पासन करता है, जैसे क्या बांस और अगेव, बांस और अगेव की कुछ प्रजातियां हैं, बांस की प्रजातियां हैं जो क्या करती है, वो केवल अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पासन पुष्प खिलाती है और साथ में फल देती है। तो चलो आप अपना द्विवार्षिक पौधा देख लो, वहाँ पे द्विवार्षिक पौधा है, यहाँ पे हम लोग क्या बोले बम्बू के बारे में, यानी बांस के बारे में, बांस का जो जीवन अवधि होता है ना बेटा वो 50 से 100 साल का है, पर वो फूल यानी अपना जो फूल खिलाएगा वो एक बार। अपना अगेव का अगर बात करें 10 से 30 साल का इसका जीवन अवधि है, फिर भी ये भी एक बार भी फूल खिलाता है। एक और कहानी यहाँ पर आता है, बहुत अच्छा कहानी है जो अपनी NCERT हम लोगों को दे रही है, बता रही है, एक है नील कुरंजी। देखो इन नील कुरंजी का क्वेश्चन एक बार हमको दिखा है, याद रखना नील कुरंजी है ना बेटा, ये साउथ इंडिया जो अपनी है तमिलनाडु केरल कर्नाटक वहाँ के पहाड़ी इलाकों में खिलने वाला फूल है नील कुरंजी। तो ये क्या होता है कि एक बार आप लगाओ 12 साल में एक बार फल फूल देगा और फिर मर जाएगा, फिर दोबारा लगाना होगा और 12 साल में देगा, तो 12 साल में एक बार खिलता है याद रखना। तो इसका लाइफ जीवन अवधि कितना हो गया, 12 साल का हो गया, 12 साल में एक बार ये फूल खिलाएगा एक ही बार, तो ये भी मोनोकार्पिक है। दिया गया है कि आखिरी बार जो 2006 में सितंबर अक्टूबर के महीने में ये खिलता है, 2006 में इसमें इतना सारा फूल लगा, इतना ज़्यादा फूल लगा ना बउआ कि पूरा जो वहाँ की वहाँ का जो रास्ता था केरला का कर्नाटक का तमिलनाडु का जो रास्ता था ना पूरा नीले नीले चादर से ढक गया। नीला कलर का फूल है, नील कुरंजी नाम है, नीला फूल है, पूरा ढक गया। इतना टूरिस्ट आया, इतना पर्यटक आए, वो देख कर आकर्षित हो गए। तो देखो 2006 में ये खिला था, फिर 2018 में खिला, और अब फिर बता दो अब कितना में खिलेगा ये आप लोग बताइए। तो इस तरह से ये 12 साल में खिलता है, और ये नील कुरंजी याद रखना 12 साल में खिलने वाला। अब देखो पॉलीकार्पिक है यहाँ पे, तो पॉलीकार्पिक में हम लोग बताए थे ना क्या होता है कि एक बार अगर परिपक्व हो गया तो ये अपना अंतराल पे अपने समय पे अपने निश्चित मौसम में सीजन में आने के बाद बार 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 ये हमको क्या करेगा, फल देता रहेगा, बार बार ये फल देता रहेगा। तो देखो जैसे यहाँ कटहल है, आम है, यहाँ सेब है, नारंगी है, ये सब क्या है, पॉलीकार्पिक प्लांट है। तो बेटा हम लोग प्लांट के फूल लगने के आधार पर, फूल और फल के लगने के आधार पर जो पैटर्न बनते हैं वो हम लोग देख लिए, दो तरह का ही था, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। चलो अब आते हैं, तो प्लांट का तो बात हो गया, प्लांट का बात तो समझ में आ गया। अब बोले क्या मैम ये हम लोगों में भी ऐसा होता है क्या, कुछ जानवरों में भी ऐसा होता है क्या, जानवर भी जो जीव हैं जानवर हैं वो लोग भी इस तरह का कुछ करते हैं, कुछ समय आता है उन लोगों के में भी इस तरह का रिप्रोडक्शन का कोई एज होता है, कुछ समय होता है। तो बोले हाँ इसमें भी होता है, तो कुछ जीव होते हैं सतत परजक और कुछ होते हैं मौसमी यानी सीजनल। कुछ जीव होंगे जो सीजनल ब्रीडर होंगे, यानी एक सीजन आएगा उनका, उस सीजन में ही वो अपने बच्चे को जन्म देने के अनुकूल होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधे ही प्रजनन के लिए तैयार रहते हैं। तो हम लोग अगर जानवरों का बात करें तो जानवर भी बेटा दो तरह का हो गया, एक हो गया सीजनल, सीजनल यानी मौसमी, और दूसरा हो गया आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ठीक है, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो सीजनल को हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी कहते हैं, मौसमी प्रजक, और इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रजक को यानी
ब्रीडर को सतत प्रजक। तो ये सतत हो गया, ये मौसमी हो गया। नाम से ही बेटा समझ में आ रहा है, सीजनल वाला क्या करेगा, किसी एक खास सीजन में ही ब्रीड करेगा, किसी खास सीजन में ही अपने बच्चे को जन्म देगा, जबकि कंटिन्यूअस ब्रीडर जो होगा वो लगातार देगा, लगातार, उसको कोई भी सीजन से कोई मतलब नहीं है। तो ये जानवरों में भी अपने पास हम लोग देखने को मिलता है, ये सब कुछ सीजनल और कंटिन्यूअस ब्रीडर का बात जानवरों में आ गया। चलिए अब आते हैं बउआ हम लोग अगले चीज पर, अगले टॉपिक पर, जो अपनी एनसीईआरटी दिखाती है इवेंट्स। क्या दिखाती है? इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट आते हैं, कौन कौन सी घटनाएं आती है। तो हम लोग अभी तक सीख क्या चुके हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसका क्या कोई फेज होता है? तो फेज हम लोग जाने, तीन तरह का फेज है, जुवेनाइल फेज, अपना रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। तो ये तीन फेज देख रहे हैं, उसी में से एक फेज था रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज में ही एक चीज और देखें कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो प्लांट में एक पैटर्न के हिसाब से हो रहा है। रिप्रोडक्टिव फेज जो आ रही है, जो फ्लावर खिल रहा है, वो एक पैटर्न के हिसाब से खिल रहा है। तो बोले कैसा पैटर्न है? दो तरह का, एक तो मोनोकार्पिक होगा और दूसरा पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक वैसा प्लांट बेटा जो कि अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प खिलाए और फिर मर जाए, और जो पॉलीकार्पिक होगा वो अपने लाइफ में हर बार, हर सीजन में, मतलब अपना जो सीजन है उसका जो खास सीजन, जैसे आम का सीजन अब आ रहा है ना, आम का सीजन, तो आम का सीजन में क्या उसको जो है बोलना पड़ता है कि भैया तुम्हारा आम का सीजन आ गया, तुम आम खिलाओ? नहीं ना, वो आम का सीजन आया, वो खड़ा है बेचारा, उसको थोड़ा सा खाद पानी दे दो, वो आम खिला लेगा, है ना, मंजर लगेगा, आम खिला लेगा, आप तोड़ लो, मार्केट में बेचो, अपना खाओ, काम खत्म। वो फिर वहीं पे खड़ा रहेगा, आपको कोई टोकेगा भी नहीं। फिर अगला सीजन आएगा, फिर वो खिलाएगा। तो इस तरह का जो प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। इसी में बेटा हम लोग कुछ एक्सेप्शन भी देखें कि कुछ जो है बहुत सारा साल जीने वाले प्लांट हैं, लेकिन एक ही बार अपने जो है फूल खिला रहे हैं। तो जैसे नीलकुरंजी हो गया, जैसे अपना बम्बू प्लांट हो गया, ये सब क्या है, बम्बू ट्री हो गया, सॉरी प्लांट नहीं, ट्री हो गया, ये सब क्या है, अपना पॉलीकार्प, बोले तो मोनोकार्पिक ही है लेकिन पेरिनियल है, क्लियर है। अब बोले क्या जो है जानवरों में, ओ, जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इसमें भी कुछ इस तरह का आता है क्या, कोई समय होता है? बोले हाँ होता है, कुछ तो होते हैं कि एकदम हम लोग को कंटिन्यूसली करना है, कोई सीजन नहीं, कोई टाइम नहीं, इसको कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं या फिर इसको सतत प्रजक कहते हैं। और कुछ होते हैं सीजनल, जो सीजन पे काम करेंगे, सीजन पर अपने बच्चे को जन्म देंगे, कोई खास सीजन आएगा उसी समय बच्चे को जन्म देंगे, उसको कहते हैं सीजनल ब्रीडर। क्लियर है बेटा, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इवेंट्स की ओर, कि कौन कौन सा इवेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा इवेंट है। देखो इवेंट पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ये हमारा बेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जब पढ़ना होगा तो ये बेस बनाएंगे, ठीक है। तो चाहे कोई भी जीव हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वो कर रहा है तो ये बेस जरूर होगा। सबसे पहले तो गैमेट बनेगा, ठीक है, देखो मेल फीमेल है तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है ना बेटा, मेल फीमेल गैमेट बना, फिर गैमेट मिलने आएंगे, फिर मिलेंगे, मिलने के बाद फिर इन दोनों के मिलने से युग्मनज का यानी जायगोट का निर्माण होगा, फिर जायगोट फर्दर डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा। तो ये एक कॉमन इवेंट है जो हर तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो हम लोग वही इवेंट देखने वाले हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बोले क्या परिपक्वता प्राप्त करने के बाद सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव उन घटनाओं और क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं जिनमें उल्लेखनीय मौलिक समानता होती है। मतलब जो भी लैंगिक जनन करने वाला जीव है ना, वो इस तरह की घटनाओं को दर्शाता है, उससे जो है उसे जुड़ी कुछ संरचनाओं को, कुछ जो है बोले तो जो संरचनाएं बनेगी, कुछ काम होगा, मेथड्स होगा, वो सारा चीज अपनाएगा। जैसे क्या क्या है बेटा, रे अगर हम बात करें इसके इवेंट का तो तीन इवेंट पढ़ेंगे। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर, अब इसको हम अपने रूप में समझाते हैं, अपने तरीके से समझाते हैं, यहाँ पे समझने का कोई जरूरत नहीं है, चलो अपने तरीके से हम समझाते हैं कि ये तीन इवेंट एक्चुअल क्या है, एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है ये समझो। तो जब भी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे नरे बाबू,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी पढ़ेंगे तब तब हम लोग ये तीन इवेंट का चर्चा करेंगे, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ें चाहे वो ह्यूमंस में पढ़ें। तो अभी देख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट आ रहा है। तो देखो अगर हम लोग ऐसे भी समझने का कोशिश करें ना, तो हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हमको दो जीव चाहिए, है कि नहीं, दो जीव चाहिए, एक तो हमको मेल चाहिए और दूसरा फीमेल चाहिए। क्लियर है ना बेटा, मेल चाहिए और फीमेल चाहिए, मेल हमको चाहिए, ठीक है चलो मेल ले आएँ और फीमेल भी ले आएँ, तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। तो क्या बोले क्या करना होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये जो मेल है ना, इस मेल में मेल गैमेट बनना चाहिए और ये जो फीमेल है फीमेल में फीमेल गैमेट बनना चाहिए। ये बनेगा, ये दोनों मिलेगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो बोले ठीक है, मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा। तो देखो तो पहला इवेंट हो गया ना गैमेट का बनना, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस कह दिए, ये तो सिंपल सा बात हो गया कि हाँ चलो मैम कि जो है गैमेट तो बनना ही होगा ना, गैमेट के बिना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता है। तो सबसे पहला इवेंट क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस हुआ है बेटा, इसमें दो तरह के गैमेटोजेनेसिस होंगे ना, एक तो मेल गैमेट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बेटा, अरे फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, दो तरह का चीज़ बना, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। बोले ठीक है ये भी हो गया। मेल गैमेट के रूप में क्या बना मैम, तो स्पर्म बना, स्पर्म का निर्माण हुआ, और फीमेल गैमेट के रूप में ओवम का निर्माण हुआ। ओके ये समझ में आया। अब ये दोनों बन के तैयार है तो अब क्या करना होगा, ये दोनों को मिलाना होगा ना, मिलाने से पहले क्या करना होगा, एक दूसरे के पास जाएगा तब तो मिलेगा। तो एक दूसरे के पास जाने को हम लोग कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। नाम याद रखना, नाम क्या करेंगे याद रखेंगे एकदम ध्यानपूर्वक। अरे क्या हो रहा है, वो हो गया गैमेटोजेनेसिस, और उसी में हम लोग देखें क्या कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना और ये दोनों मिलने के लिए निकलेगा, तो इसको क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। अब देखो जब गैमेट ट्रांसफर हो गया, मिलने के लिए निकल गया, उसके बाद क्या होगा, अब आपस में ये दोनों मिलेगा, यानी मेल गैमेट यानी स्पर्म और साथ में कौन है हुआ ओवम, ये दोनों मिलेगी। तो ये दोनों जो मिलता है ना, इन दोनों के मिलने को एक नाम दिए हैं हम लोग, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, याद रखना। यहाँ पे तो दूसरा चीज हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब बोले चलिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये बताओ जब स्पर्म और ओवम मिला होगा कुछ तो बना होगा ना, क्योंकि स्पर्म अपने पास इस तरह का है, ओवम अपने पास इस तरह की है, ये दोनों जब मिला होगा तो कुछ तो बना होगा। जो ये कुछ बन रहा है ना, इसको कहते हैं जायगोट, यानी युग्मनज कहते हैं। तो ये जो युग्मनज बन रहा है बेटा, युग्मनज बन रहा है, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस वाले पार्ट में। कहाँ रख लिए, इस वाले पार्ट में, जायगोट, जिसको क्या बोले, जायगोट बोलो या फिर युग्मनज बोलो, युग्मनज बोलो, ठीक है। चूंकि हमारा जो गैमेट होता है स्पर्म या ओवम, वो एन के फॉर्म में होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, और जो जायगोट होता है एन प्लस एन मिलके ना बनता है। देखो ये दोनों एन मिलकर के बना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एन होगा ना, एकदम मैथमेटिकल प्रोसेस से समझो, ये एन, ये भी एन, ये दोनों मिल करके क्या बना लिया, टू एन। तो अब ये जो 2n बना है, ये 2n बेटा फर्दर डिवाइड होगी, समसूत्री विभाजन करेगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन लाइफ में एक ही बार होता है, वो कब होता है, जब अपना जो है युग्मक का निर्माण होता है तभी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ से जायगोट अब धीरे धीरे समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे सेल्स बनाएगा, और वो सारे बहुत सारे सेल्स फिर आगे डिवाइड हो के एक नया जीव बना लेंगे, एक ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नवजात शिशु कह सकते हैं, ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, जो मन है, नवजात शिशु कह लो, बच्चा कह लो,
फिर यंग ओनस कह लो, आप ऑफ स्प्रिंग कह लो, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। तो अगर बात आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बउवा कितना पार्ट बट गया, तीन पार्ट बटा ना। एक पार्ट में तो गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी गैमेट्स बनेंगे और साथ में मिलने के लिए जाएंगे, मिलने जाएंगे और जैसे ही मिलेंगे, इस मिलने की घटना को हम लोग क्या कह देंगे, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही मिलेगा ना बेटा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, यानी जायगोट बनेगा। अब ये जो जायगोट है आगे बढ़ेगा, जायगोट से बनेगा भ्रूण, भ्रूण से बनेगा शिशु, है ना, ये सब कुछ आगे के फॉर्म में आ गया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी देखना होता है ना, तो कितने पार्ट हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कितने इवेंट हो जाते हैं, तीन इवेंट। तो अगर हम इसको डिफाइंड करें सीधे तौर पर, तो तीन इवेंट कौन हो जाएगा, बीज वाले इवेंट को क्या बोले थे जल्दी से बता दो, फर्टिलाइजेशन कहते। तो फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना को क्या कह सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना को क्या कह सकते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो क्या हो गया अपने पास, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जब अपन पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बेटा, तीन इवेंट्स मिलेंगे। एक तो होगा बीच वाला फर्टिलाइजेशन, उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेट ट्रांसफर होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, जहां युग्मनज आगे डिवाइड होकर एक नए जीव के रूप में तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट। तो बउवा आज इतना ही रहने दो, अगले वीडियो में, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इससे आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, जिसमें देखेंगे गैमेट को, गैमेट कैसे बनता है, गैमेट का निर्माण कैसे होता है, कैसे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और साथ में गैमिट्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, मतलब देखने में किस किस तरह के हो सकते हैं, क्या सारे गैमिट्स, सब जीवों के गैमिट्स एक जैसे होते हैं या फिर अलग अलग भी होते हैं, तो ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गैमिट ट्रांसफ़र, जो एक्चुअल में गैमिट ट्रांसफ़र हम लोग को देखना है, वो देखना है फ्लावरिंग प्लांट में, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं, आप लोग सुने होंगे परागण। तो आगे हम लोग उसके बाद देख लेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी ये दोनों मिला तो कहाँ मिला, कैसे मिला, समझ आया, मिलने का क्या तरीका है, क्या बॉडी के अंदर मिल रहा है या बॉडी के बाहर मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है, ये सब कुछ हम लोग फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। और उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहाँ की सीधा बात हम लोग किस पे करेंगे कि अपना जायगोट बन गया है, जायगोट से कैसे एक नए बच्चे का निर्माण होता है, एक नया जीव कैसे बनता है, वो जो जीव बनेगा वो मतलब वो उस जीव पर डिपेंड करता है कि जो जीव बच्चे को जन्म दे रहा है ना, वो कैसा बच्चे को जन्म देता है, वो अंडे को जन्म देता है या सीधे बच्चे को जन्म देता है, कुछ ओवी पेरस होते हैं, कुछ बीवी पेरस होते हैं, यानी कोई शिशु प्रजक होता है, कोई अंड प्रजक होता है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग आगे का कहानी अगले वीडियो में देखेंगे। बउवा यहाँ तक आप लोग समझ लेना, अगले वीडियो में ये पूरा कहानी चल जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट बेटा। और बउवा आप लोग को अगर पसंद आता हो तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम अच्छा पढ़ा रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो हम और भी अच्छा आप लोगों का क्लास देंगे, हिंदी इंग्लिश मिलाकर भी देंगे, या फिर आप लोग कहिएगा तो हिंदी अलग इंग्लिश अलग सेपरेट होगा। और बेटा कुछ दिनों बाद हिंदी मीडियम में नीट का क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर, आप लोग जरूर देखिएगा।